Food Foodies में आपका स्वागत है। है मैं और आज का एपिसोड है, आप लोगों तो आपको हंड्रेड से ऊपर ही मिलेंगी बहुत अच्छी वाली टिफिन रेसिपीज तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा आइकन जरूर से हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालू आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है एक तरफ आपको आलू पूड़ी भी मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको बहुत ही टेस्टी बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बॉफल्स भी मिलेंगे आटे का चीला भी है साथ में सैंडविचेस भी है तो आज की जो रेसिपीज़ है पक्का आपको पसंद आने ही वाली है बट आपके फीडबैक्स मेरे साथ में कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि वो मेरे लिए एक तो मोटिवेशन भी होता है प्लस गाइड भी होती है कि मैं और क्या क्या आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ बनाऊँ तो आइए चलते हैं आज की रेसिपीज की तरफ और शुरुआत करते हैं हम सबके बचपन की यादों से मैं बनाने वाली हूँ आलू पूरी तो यहाँ ना चटपटे आलू बनाएंगे और पालक की पूरी जो न्यूट्रिशियस होने के साथ साथ बहुत ज्यादा टेस्टी है आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी पालक की पूरी और साथ में चटपटे आलू तो यहाँ मैंने लिया है एक कप गेहूं का आटा और साथ में मैं मिला रही हूँ इसमें वन फोर्थ कप सूजी इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग साथ ही डालेंगे अजवाइन अजवाइन को हमें हथेलियों के बीच में क्रश करके डालना है इससे अजवाइन की जो खुशबू होती है वो ज़्यादा अच्छी आती है इस आटे में हम मोइन लगाएंगे, तो यहाँ पे हम दो से तीन चम्मच देसी घी डाल लेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी। तो पालक की प्यूरी जो है इसको हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे क्योंकि इस आटे को मुझे पालक की प्यूरी से ही लगाना है धीरे धीरे इसमें हम पूरा मिक्स करते रहेंगे जब एक बार पूरा अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम फिर से थोड़ी सी पालक की प्यूरी इसमें ऐड करेंगे एक साथ बहुत सारी प्यूरी ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें इस आटे से पूरियाँ बनानी है इसको हमें टाइट ही गूंदना है वैसे भी इसमें पालक है और नमक भी डाला है तो ये हल्का सा बाद में लूज़ हो सकता है हालांकि हमने सूजी इसमें इसीलिए ऐड करी है कि वो सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले आटा लगा के साइड में रख देंगे और अब हमें बाकी तैयारी करनी है अपनी सब्जी की ये वाली जो सब्जी है बहुत ही चटपटी बढ़िया है आप इसे ट्राई कीजिएगा तो टमाटर अदरक और हरी मिर्च को हमें लेना है यहाँ पे पीस ये हम ड्राई आलू बनाने वाले हैं बट इसमें हम टमाटर डाल के भूनेंगे उससे जो टेस्ट आता है ना बस क्या कहना मैं यूज़ कर रही हूँ अपना गारो का हनी पैन क्योंकि इसमें कुकिंग जो है वो बहुत कम तेल में हो जाती है साथ ही यूज़ कर रहे हो दसानो ऑलिव ऑयल तो यहाँ पे हम एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे तड़का बहुत ही सिंपल है सबसे पहले जा रहा है इसमें आधा चम्मच ज़ीरा आधा चम्मच राई और साथ में ज़रा सी हींग यानी कि वन फोर टी स्पून हींग और थोड़े से करी पत्ते इन्हें हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे यानी कि भून लेंगे और इसमें हम टमाटो की जो प्यूरी हमने बनाई थी ना टमाटर अदरक और हरी मिर्च की वो ऐड कर देंगे अब हम इसे भूनेंगे जब तक कि ये प्यूरी जो है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए टमाटर को जल्दी पकाने के लिए आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे मसाले भी ऐड कर देते हैं जिसमें जा रहा है आधा चम्मच गरम मसाला जरा सी लाल मिर्च और एक चम्मच धनिया इस सब्ज़ी में हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालनी है तो ये हमारा मसाला एकदम ड्राई हो गया है अब यहाँ पे मैंने आलू के छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं ये बॉइल्ड आलू है यानी उबला हुआ आलू यहाँ मैंने तीन बॉयल्ड पोटैटोज़ लिए थे उन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देते हैं बस हम इन्हें धीरे धीरे भुनने देंगे ऊपर से मैंने यहाँ पे हल्का सा नमक और एडजस्ट किया बाद में और ये देखिए हमारी जो आलू की सब्ज़ी है ये बन के एकदम तैयार हो गई है और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही थी काफ़ी सिंपल है और अच्छी तो लगती है ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल देते हैं बच्चे क्या आप इन्हें बड़ों के टिफिन में भी बनाइए एकदम उनको मज़ा आ जाएगा तो ये हमारे आलू तो रेडी हैं आटा भी हमारा अभी तक सेट हो गया होगा अब उसे चेक करेंगे और फटाफट से इसकी पूरियाँ भी लेंगे तो आलू की रेसिपी तो मेरी फेवरेट है आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी लोई ली है सुबह सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होता है तो एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल देंगे लोई को बेलने के लिए मैंने हल्का सा चिकना कर लिया है यानी तेल लगा लिया है और इसको हम बिल्कुल चकले के बराबर बेलने वाले हैं ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बहुत ज़्यादा इसको मोटा हमें नहीं रखना है जितनी पूरी की मोटाई होती है ना बस उतना ही रखना है और अब हम इसमें से पूरीज़ को कट कर लेंगे मेरी पूरी कोशिश है कि एक बार में चारों ओर निकल आए तो आ भी गई अब हम इन्हें फटाफट फड़ से फ्राई करेंगे एक ही साइज़ की और एकदम बढ़िया सी पूरियाँ हमारी बनने वाली है पालक आयन का रिच सोर्स होता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है आप उसे किसी भी फॉर्म में पालक पनीर पालक की पूरी पालक का टो तो ढोकला जो भी हम आगे बनाएंगे ज़रूर खिलाइए बच्चों को बहुत पसंद आता है तो यहाँ पे तेल को अच्छे से हमें करना है गरम और उसमें हम तल लेंगे अपनी पूरीज़ बहुत ही कम तेल में मैं इसलिए तलती हूँ ताकि इस तेल को हमें बाद में ये रियूज ना करना पड़े इसे हम डिस्कार्ड कर पाए वैसे मैं पूरीज़ भी कई बार ऑलिव ऑयल में तलती हूँ नहीं तो मुझे आजकल मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा लग रहा है हम मस्टर्ड ऑयल में भी खूब अच्छी फ्राइंग करते हैं कचौरी और पूरीज जो है बहुत अच्छी निकल के आती हैं तो सारी पूरीज़ हमारी बन तैयार है अभी ने हम फटाफट से टिफ़िन में पैक कर देते हैं वेल पारक की पूरी की रेसिपी और ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताना मेरे को और यहाँ पे जा रहे हैं बढ़िया रेड रेड आलू और साथ में ये पूरीज एंड यू नो जिस दिन मैं ये शूट कर रही थी उस दिन ना घर में कढ़ी भी बनी थी तो सार्थक बोलते हैं आज तो ट्रैफिक लाइट वाला खाना बना है बहुत ही बढ़िया पालक की पूरियाँ और चटपटे आलू आज के टिफिन में हाजिर है सो so सगाए ये थी हमारी बहुत ही टेस्टी आलू पूरी एंड ये पालक की पूड़ियाँ ना सार्थक को बहुत अच्छी लगी थी और जैसा कि मैंने आपको बताया आजकल मैं फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स परफेक्टली परफेक्ट और एक दिन ना मैं आपको प्रॉपर डेमो देके दिखाऊंगी कि कैसे आप मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कर सकते हो फ्राइंग के लिए बस आपको उसको ना स्मोकिंग पॉइंट तक पहले एक बार गर्म कर लेना होता है उसके बाद फ्राइंग के लिए यूज़ करना होता है और आपको उसको जब आप उसे कंज्यूम भी करोगे ना तो उसको हैवी नहीं लगता मतलब हैवी बिल्कुल भी नहीं लगता प्योर मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है तो अब चलते हैं अगली रेसिपी पे और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है इसका जो बैटर है ये मिक्सी के जार में बन जाता है और यहाँ पे जो वॉफल्स हैं ये नहीं बचे थे मतलब जैसे ही मैंने इन्हें बनाया फटाफट खा एंड इट्स वेरी हेल्दी दे आर आप देखो ना ओट्स आटा और साथ में जा रहा है जैगरी से बट मैंने नहीं किया था मैंने कहा कि लेट इट बी दिस वे तो आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी चॉकलेट वॉफल्स यूजिंग ओट्स एंड आटा बच्चे जंक खाना चाहते हैं और हम उन्हें हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्थीएस्ट वॉफल्स सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैंने मेजर करके ऑलरेडी रखे हुए हैं इन सब के नाम और क्वांटिटी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी बस सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रखना है और इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में हमें ग्राइंड कर देना है कैन यू इमेजिन बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इस रेसिपी के लिए हमें ज़रूर से चाहिए बट हाँ रेसिपी सुपरहिट है तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें सारे इंग्रीडियंट्स ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें जा रहा है आधा कप ओट्स सारे मेजर्ड हैं अब जितना हमने ओट्स लिया है उतना ही हमें लेना है गेहूं का आटा तो आपका जो आटा और ओट्स है वो पूरा एक कप हो चुका है यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी यहाँ मैंने दो बड़े चम्मच चीनी डाली है आप चाहें तो जैगरी पाउडर डाल सकते हैं आधा कप ही इसमें डाला है मैंने दूध आधा ही हम इसमें डालेंगे केला साथ ही डालेंगे एक चम्मच बटर एक बड़ा चम्मच बटर इसमें मैंने डाला है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए मिल जाएंगे अब बारी है फ्लेवरिंग की तो सबसे पहले डालेंगे दो बड़े चम्मच इसमें कोको पाउडर ये स्वीट एंड कोको पाउडर है इसीलिए मैंने यहाँ पे चीनी थोड़ी कम डाली है आधा चम्मच हम इसमें वैनिला एसेंस ऐड करेंगे अब इसमें जाएंगे दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनग्रीडियंट जिसमें पहला है एक चम्मच बेकिंग पाउडर और दूसरा है बिल्कुल एक चुटकी बेकिंग सोडा सॉल्टेड बटर यूज किया है इसीलिए मैंने इसमें अलग से कोई भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया है इन सबको ब्लेंड कीजिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और आपका वॉफल का बैटर रेडी हो चुका है अब इसको कोई रेस्ट वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है सीधे वॉफल मेकर को गर्म कीजिए इसको मैंने हल्का सा घी से ग्रीस किया है आप बटर से भी कर सकते हो और वॉफल मेकर को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे अपना बैटर ये देखिए थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं इसे स्प्रेड इस करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि ये कोनों तक जाए और वॉफल का जो अच्छा वाला शेप आता है ना जिसमें कि शार्प एजस्ट बनते हैं वो बन जाए वैसे नहीं भी बनेंगे तब भी ये खाने में बहुत टेस्टी होने वाला है इसको हल्का हल्का मैं स्पून से स्प्रेड कर देती हूँ एट इट बहुत ही टेम्पटिंग थे ये वॉफल्स मुझे ना अभी भी वीडियो बनाते बनाते भी ऐसा लग रहा है आई एम सेल्विनेटिंग तो अब बस हम वॉफल मेकर को लॉक करेंगे एक साइकिल के लिए पकाएंगे एंड यू विल सी डिलिशियस वॉफल्स आर रेडी इन्हें निकाल लेते हैं थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो ये प्रॉपर शेप ले लेंगे ये रखने के बाद में बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं अंदर से इनका जो टेक्स्चर है वो एकदम केक ही रहता है वो भी मैं अभी आपको आगे कट करके दिखाती हूँ बट मीन बहुत ही एकदम डिवाइन खुशबू आ रही थी बनाना एंड चॉकलेट इन इट सेल्फ इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे अब इन्हें कट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कितने आराम से कट हो गए और अंदर से प्रॉपर केकी है ये वॉफल्स आप एक दिन पहले बना सकते हैं सुबह टिफिन में दे सकते हैं बहुत ही ईजी है आप इन्हें साइड डिश की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों को आफ्टर स्कूल स्नैक्स के लिए भी दे सकते हैं आजकल बच्चों की इतनी सारी क्लासेस ट्यूशंस गेम्स ये सब होता है ना तो उनके बीच में भी एक छोटा सा बैग आप इन्हें बना के दे सकते हैं वॉफल्स वाला तो यहाँ पे हम इन्हें प्लेस कर देते हैं तो ये वाला जो टिफिन है ये तो सार्थक का फेवरेट था उसने बहुत ज्यादा इंजॉय किया आपको ये वॉफल की रेसिपी कैसी लगी और हाँ इसे ट्राई जरूर कीजिएगा चाहे जैसी भी लगी हो क्योंकि मुझे पता है बाय द एंड यू यूर थैंक मी और मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी एंड दिस वन वाज माय पर्सनल फेवरेट सो गाइस ये थे हमारे एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही डिवाइन चॉकलेट बॉफल और इसके ऊपर ना चॉकलेट सॉस ढिल करके बच्चों को दीजिए खुशी, खुशी खुशी खाएंगे एज अ स्नैक तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे और इसमें बनाने वाली हूँ टोपी ढोकला और जैसा कि मैंने बताया मैं आप लोगों के कॉमेंट ज़रूर से पढ़ती हूँ तो जो टोपी ढोकला की रेसिपी है ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पर कॉमेंट किया था कि आप ये बनाओ मैंने सर्च किया टोपी ढोकला और मुझे पता चला कि ये पालक की प्यूरी से बनती है और डेफिनेटली आई वॉज वर्किंग ऑन पालक इन दिस एपिसोड तो मुझे लगा यार ये वाला तो आज बनाना बनता है तो आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी टोपी ढोकला इसे बनाना बहुत ईजी होता है और इसका टेस्ट टू गुड बड़ी सात्विक और बड़ी अच्छी सी रेसिपी है ये जरूर से देखिए ट्राई कीजिए और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ में जरूर से शेयर कीजिए आइए बनाते हैं टोपी ढोकला आइए बनाते हैं टोपी ढोकला और ये बहुत टेस्टी बनता है और जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है ना उतना ही इसे बनाने का प्रोसीजर है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हल्के से पानी में पालक को बॉईल कर लिया है फिर ऊपर से डाला एकदम ठंडा ठंडा पानी बेसिकली हमें पालक को ब्लांज करना है और उसके बाद में इसे ठंडे पानी में भिगो देना है अब हम इसे ब्लेंड करके एक प्यूरे तैयार कर लेंगे बट अभी इसको थोड़ा सा और ठंडा होने देते हैं मीन हम सूजी को भिगो के तैयार करते हैं तो यहाँ मैंने ली है एक कटोरी सूजी उसमें उतना ही हमें दही लेना है तो एक कटोरी सूजी के साथ में आपको एक कटोरी दही लेना है इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके रख देना है जब तक कि सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती कम से कम 10 से 15 मिनट इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब कम से कम टाइम तो है 10 से 15 मिनट मगर अगर मुझे इसे बनाना होता है तो मैं इसे रात में कई बार फ्रिज में सूजी भिगो के रख देती हूँ अब यहाँ पे हम पालक को ब्लेंड करेंगे एक इंच टुकड़ा अदरक और एक हरी मिर्च के साथ में अब ये जो पालक की प्यूरी तैयार हुई है इसे हम ऐड कर देंगे अपने सूजी और दही वाले बैटर में इसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा डिजायर्ड ग्रीन कलर नहीं आ जाता बट मेक श्योर आप इस बैटर को बहुत ज्यादा पतला ना कर दें अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच इनो इनो के ऊपर बिल्कुल दो चम्मच हम पानी डालेंगे इससे इनो एक्टिवेट हो जाएगा अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा टोपी डोसे का बैटर तैयार है यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है उसमें डाला एक चम्मच घी साथ में जरा सी राई और चॉप करे हुए करी पत्ता ये बच्चों के लिए आयन से भरा हुआ बहुत ही पौष्टिक नाश्ता है अब यहाँ पे हम इस बैटर को धीरे धीरे डाल देंगे और ऊपर से ढक के पकाएंगे जब तक कि ये जो ऊपर वाली लेयर है अच्छे से सेट से नहीं हो जाती अब हम इसे छनी से धीरे से घुमाएंगे और पलट लेंगे पलटने के बाद हमें इसे बिना ढके पकाना है कम से कम दो से तीन मिनट और आप देखेंगे कि टोपी ढोकला बन के रेडी हो गया है और इसी तरह से मैंने सारे ढोकला बनाए थे बीच में मुझे याद आया कि इसमें मुझे सेसमे सीड भी डालने चाहिए तो यहाँ पे मैंने राई करी पत्ता और सेसमे सीड यानी कि तिल भी डाले हैं बस इन्हें बनाते समय याद रखिएगा कि ढक्के पहली वाली साइड से पकाना है दूसरी साइड पलटने के बाद में हमें इसे बिना ढके पकाना है तो टोपी ढोकलास बन के तैयार है सार्थक को इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली उसे पालक बहुत पसंद है तो आज के टिफ़िन में जा रहे हैं हमारे बहुत ही टेस्टी टोपी ढोकलास और इसके साथ में आप नारियल की चटनी भी दे सकते हैं वेल well, मेरे पास टाइम नहीं था तो सिंपल केचप रख दिया है कैसा लगा टिफ़िन नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा गाइस so ये थी हमारी टोपी ढोकला की रेसिपी एंड देवर यमी और इसके साथ में अगर नारियल की चटनी हो तो एकदम मज़ा ही आ जाता है और अभी जाड़ों में आप नारियल की चटनी भी पैक कर सकते हैं क्योंकि वो खट्टी नहीं होती है गर्मी में तो आजकल एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होने लगी हैं तो कई बार चटनी जो है वो खट्टी हो जाती है और अभी तक अगर आप भी कॉमेंट नहीं किया कि एपिसोड कैसा लग रहा है ना तो जल्दी से करो और इसे तो सेव कर लेना और जो ऐसी मॉम्स ना जिनको जल्दी जल्दी कुछ बनाना होता है उनके साथ में ज़रूर से शेयर करना क्योंकि जो अगली रेसिपी है ना वो मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाई है वह है बहुत ही बढ़िया सा पनीर एंड कॉर्न का सैंडविच एंड इट्स यमी बनाने में बहुत आसान है और आपको ना बस इसकी प्रिपरेशन शायद कॉर्न को बॉईल करना है दैट इज़ इट और आप इसे झटपट बना सकते हैं और बहुत सारे लोग के कॉमन आते है जिन्हें ऑफिस जाना होता है कि सुबह में हम ऐसी क्या चीज़ बनाए या रात को बना के रख दें इस पे भी आई एम वर्किंग एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दिवाली आई है सेल्बी रिलीजिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम फॉलो कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा शेयर ज़रूर कीजिएगा बहुत सपोर्ट मिलता है तो आइए देखते हैं बहुत ही टेस्टी कॉर्न और पनीर के सैंडविचेस आइए बनाते हैं इस कंपाइलेशन की सबसे इजी और टेस्टी रेसिपी जो है पनीर और कॉर्न सैंडविचेस इसके लिए हमें लेना है पनीर का एक पीस और उसके छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं इसीलिए इसकी जो कटिंग है मैं वो बिल्कुल आपको प्यार से धीरे धीरे दिखा रही हूँ मुझे करने में बहुत ज्यादा सेटिसफैक्ट्री लगती है तो यह हमने पनीर के क्यूब्स कट कर लिए साथ ही एक बोल में लिए है मैंने आधा कप उबले हुए कॉर्न और यहाँ पे हम पनीर के पीसेस भी ऐड कर देंगे अब हमें इसे सीजन करना है तो यहाँ पे जा रहा है आधा चम्मच नमक साथ में ज़रा सी काली मिर्च भी हम इसमें डालेंगे आप चाहें तो यहाँ पे ऑरिगेनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं बट अभी इन चीज़ों में बाइंडिंग की कमी है तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक चम्मच मेयोनीज आप चाहें तो इसे हंकर्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं अब इसे मिक्स कीजिए एंड टड़ा हमारी सैंडविच की फिलिंग रेडी है अब इसे थोड़ा हेल्दी बनाना था तो मैं मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ वैसे आप कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं आजकल सार्थक को मल्टीग्रेन ब्रेड अच्छी लग रही है तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा तो यहाँ पर हम अपनी जो सैंडविच की फिलिंग हमने बनाई है इसे स्प्रेड कर देंगे आप चाहें तो आप ब्रेड्स पे थोड़ा सा बटर भी लगा सकते हैं बट क्योंकि मैंने यहाँ पे मेनीज़ यूज़ करी है ऑलरेडी इसलिए मैंने इसमें बटर नहीं लगाया है और वैसे भी हम इसमें चीज़ स्लाइस रखने ही वाले हैं तो यहाँ मैंने एक चीज स्लाइस के दो टुकड़े कर लिए हैं और इन दोनों सैंडविचेस पे लगा दिया है तो हमारे सैंडविचेस रेडी हैं और हम इनको आज तवे पे सेकने वाले हैं तो इन्हें हम अच्छे से प्रेस कर देंगे उसके बाद तवे को गरम कर लेंगे आप कहेंगे कि ये वाला तवा क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं मैंने तो नया चेंज कर दिया था बट ये वाला तवा उस टाइम पर साफ रखा हुआ था तो मैंने कहा यार आज इसी पर सेकते हैं नॉर्मल लोहे का तवा है इसको अच्छे से गर्म करना है ऊपर इसमें हमें थोड़ा सा घी लगा देना है और उसके बाद ब्रेड स्लाइसेस को रखना है और इसे ऊपर से प्रेस करके हमें सेकना है जब आप दूसरी साइड से देखेंगे हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो इसे दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेकना है जब हम सैंडविचेस को इस तरह से सेकते हैं तो सैंडविचेस टिफिन में रख के भी मॉइस्ट रहते हैं मतलब ये कभी भी ना छुए नहीं होते हैं इनको सेकते समय थोड़ा देसी घी पे हाथ हल्का रखिए आराम से डालिए ताकि टेस्ट भी और हेल्थ भी साथ में रहे एंड लुक एट दी सैंडविचेज़ गाइस बहुत ही बढ़िया सैंडविचेज़ बन के रेडी हुए हैं इन्हें हम पूरे बट से टिफ़िन में रख देते हैं आप इन्हें बहुत जल्दी सुबह बना सकते हैं सिर्फ़ आपको फ्रिज में बॉइल कॉर्न और पनीर रखना है और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है तो आप पूरी फिलिंग बना के भी रख सकते हैं तो हमारे सैंडविचेज़ वाला टिफिन रेडी है क्विक रेसिपी है ज़रूर शेयर कीजिएगा वर्किंग मॉम्स के साथ में सो so गायज ये थी हमारी पनीर एंड कॉर्न के सैंडविचेस की रेसिपी और ये जो सैंडविचेस है मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड में बनाए थे टेस्ट रियली really गुड और मतलब बड़ी बढ़िया सी रेसिपी है जरूर ट्राई कीजिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ आपको फैंसीज में लगाना नहीं है नो केचप नथिंग बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं और अब चलते हैं आज की लास्ट रेसिपी पे जिसमें बनाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया आटे के चीले अगेन ये रेसिपी बचपन से निकल के आती है जब घर में ऐसी कोई बहुत ज्यादा चीज़ें होती नहीं थी हमारे पास में ब्लैंकेट जैप्टो इस तरह कुछ नहीं होता था बस हम घर में जो सामान होता था उसी से चीज़ें जो होती थी बना लेते थे खा लेते थे तो आटे के जो चीले हैं वो आज भी बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक हैं और उन्हें अच्छे भी लगते हैं और मुझे लगता है अगर बच्चे नहीं भी खाते हैं आप बनाइए थोड़ा थोड़ा बनाइए उनका टेस्ट डेवलप कराइए इन चीज़ों की तरफ और ये शायद बहुत अच्छे हैं जो हम बाज़ार के स्नैक्स ऑर्डर करके मंगा देते हैं ना मतलब अभी ना आई एम रिसर्चिंग ऑन दीज थिंग्स कि किस तरह का तेल यूज़ होता है क्या केमिकल्स डालते हैं जिससे वो सामान बच्चों को अच्छा लगता है एंड हॉर्बल है सब कुछ तो जितना हम हो सके घर में बच्चों को ज़रूर खाना खिलाएँ खुद भी खाएँ तो बहुत अच्छा है तो आइए बनाते हैं आटे के चीले आइए बनाते हैं बहुत ही हेल्दी लौकी का चीला और इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक मुलायम सी लौकी लेनी है और उसे ग्रेट करना है अगर जो लौकी आप यूज़ कर रहे हैं उसके बीज बड़े हैं तो उसके बीज को हम पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देंगे यहाँ पे हमें लौकी को महीन वाले कद्दूकस से ग्रेट करना है इस लौकी को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ये एक कटोरी लौकी के लच्छे हैं अगर हम दबा के इसमें भरें एक कटोरी हमें आटा लेना है रेगुलर गेहूँ का आटा है ये साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट नमक डाल देंगे आधा चम्मच चीले में नमक जो है वो जब बैटर आपका कंप्लीट बन जाए उसके बाद टेस्ट करके देख लीजिए अब इसमें डाल देंगे हम जरा सी हल्दी और बाकी थोड़े थोड़े मसाले जैसे कि बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्च में डाल रही हूँ क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी यूज़ करी हुई है आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स इन्हें हमें हाथ से मसल के इस्तेमाल करना है ताकि चीले में इनकी खुशबू बहुत अच्छी आए अब इस बैटर में हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो यहाँ मैंने आधा कटोरी पानी ऐड किया है फिर इसे अच्छे से मिक्स करके देखा फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे यानी आधा कटोरी पानी मेरा और लगा है चीले की कंसिस्टेंसी एकदम जैसे बेसन का चीला होता है ना बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए अटे के चीले को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपके पास में समय है तो इसको पाँच दस मिनट के लिए छोड़ दीजिए अदरवाइज़ आप इसे रात में बना के फ्रिज में रख सकते हैं लास्ट में मैंने ज़रा सा इसमें हरा धनिया ऐड किया है आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं हमारा चीले का बैटर बिल्कुल रेडी है आज मैं आपको ये चीला लोहे के तवे पे बना के दिखाऊंगी कैसे बनाना है ये भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपना पुराना लोहे का तवा इस्तेमाल कर रही हूँ ये काफ़ी भारी है इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे और ब्रेड स्लाइस से अच्छे से पोछ देंगे गर्म होने तक उसके बाद में आप इसे बंद कर दीजिए और फिर से ऑन करके बैटर फैलाइए बिल्कुल दिखाए हुए तरीके से इसे हमें पतला ही फैलाना है यहाँ पे हम इसे ढक्के पकाएंगे जब तक कि हमारी जो ऊपर वाली लेयर है वो बिल्कुल ही पक नहीं जाती अब इसे हमें हल्का सा घी लगाते हुए धीरे धीरे निकालना है देखिए आप बहुत ही आराम से ये निकल जा रहा है मतलब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है तवे पे एकदम नॉनस्टिक की तरह से आटे का चीला थोड़ा सा डेलिकेट होता है तो इससे आप अच्छे से पक जाने दीजिए और उसके बाद में बिल्कुल आराम से पलट लीजिए अगर हम आटे के चीले को बेसन के चीले से कंपेयर करें तो ये वाला जो चीला है ये बहुत मॉइस्ट होता है टिफ़िन में रख के भी ये कड़ा नहीं होता ये घंटों तक आराम से ऐसे ही मॉइस्ट रहता है यहाँ पे मैं दूसरा चीला डाल रही हूँ जब चीले डालते समय पे छोटे छोटे छेद आने लगते हैं और ये जो बॉल्स बने लगती हैं साइड में इसका मतलब होता है कि हमारा जो तवा है बिल्कुल रेडी है नॉनस्टिक बन चुका है और इसमें हम चीले को डाल के अब आराम से पका सकते हैं यहाँ पे ढकने का जो पर्पस है वो ये है ताकि चीला थोड़ा जल्दी से पक जाए अदरवाइज आप चाहें तो इसे बिना ढके भी पका सकते हैं जैसे हम नॉर्मली चीले बनाते हैं और ये देखिए गेहूं के आटे का जो चीला होता है वो होता है इतना ज़्यादा सॉफ्ट ये चीला पौष्टिक भी है इसमें रफेज भी है आटा भी है बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और उन्हें यहाँ पसंद भी बहुत आता है इस पर्टिकुलर चीले के साथ में आप मीठा आम का अचार खाइए बहुत ही अच्छा लगता है तो अब जल्दी से आज का टिफिन पैक कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने रख दिया केचप साथ में रख दिया थोड़ा सा अनार और एप्पल हमारा बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी टिफिन तैयार है एंड ये रेसिपी आप फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट में ज़रूर से बनाइएगा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सो so गाइज ये थी हमारी आज की रेसिपी एंड आई होप आपको पसंद आई होंगी कैसी लगी रेसिपी जरूर से बताइएगा ये रेसिपीज आपके पास में नेक्स्ट मतलब लास्ट वीक ही आ जाती बट मेरा गला बहुत ख़राब था ड्यू टू पोल्यूशन अभी भी है बट मुझे लगा यार इससे ज़्यादा हम डिले नहीं करेंगे क्योंकि इट्स बीन ऑलरेडी मतलब टू थ्री डेज़ के हमारा वीडियो डिले हो चुका है एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा बहुत ही दिल से हम आपके लिए रेसिपीज बनाते हैं उतने ही दिल से आप बेल हिट कीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय